हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए HDFC बैंक के शेयर को पीछे छोड़ दिया रिटर्न के मामले में इन दोनों शेयर्स ने। HDFC बैंक जो कि बैंकिंग की दुनिया का यानी कि प्राइवेट बैंकिंग की दुनिया का बहुत बड़ा प्लेयर है, सबसे अच्छा शेयर माना जाता है, तो इसी के पीयर ग्रुप के दो शेयर इससे कहीं आगे निकल गए। पिछले एक साल के अगर मैं रिटर्न को देखूं तो डबल रिटर्न दिया है उन्होंने HDFC बैंक के कंपैरिजन से, डबल से भी कहीं ज़्यादा मैं कहूँगा। चलिए देखते हैं कौन से ये शेयर है, क्या टेक्निकल है, क्या फंडामेंटल है, कितना इन्होंने रिटर्न दिया है और क्या आपके पास हैं ये शेयर्स। अगर हैं तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं इन स्टॉक्स के बारे में बताने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और हाँ, अगर आप नए व्यूअर हैं और शेयर मार्केट में नए हैं तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए डीमैट अकाउंट जरूरी है, तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, दिया हुआ लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमा पाओगे। अब सीधे लेके चलता हूँ आपको स्टॉक्स की तरफ। देखिए HDFC बैंक ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इंडिया में ये तीसरा सबसे बड़ा शेयर है। सबसे पहला यहाँ पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फिर TCS है, 8 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फिर आता है HDFC बैंक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ के आसपास का। बड़ा शेयर, जबरदस्त शेयर, 1250 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, नो डाउट। प्रॉफिट ग्रोथ 20% के आसपास है। और HDFC बैंक की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली स्टॉक में गिरावट आती है 10-15% की, तो बढ़िया शेयर होता है। और इसके अगर आप रिटर्न को देखो तो पिछले एक साल में 18-19% के आसपास का इसने रिटर्न दिया है, बहुत बेहतरीन भाई। कौन सा और बाकी कौन से शेयर है जो इससे ऊपर गए हैं, तो ये देखिए आप। सबसे पहले देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने जबरदस्त रिटर्न दिया है HDFC से, कहीं ज़्यादा रिटर्न इसने पिछले एक साल में दिया है। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 1670 ऑलमोस्ट 1700 के आसपास का प्राइस है। जबरदस्त फंडामेंटल वाला, प्रॉफिट ग्रोथ वाला, सेल्स ग्रोथ वाला ये शेयर है। अब पिछले एक साल का इसका रिटर्न देख लीजिए किस तरीके से रहा, ऑलमोस्ट 42% का रिटर्न इसने पिछले एक साल में दिया हुआ है। HDFC बैंक पिछले एक साल पहले यानी कि दिसंबर के टाइम फ्रेम पे देखिए ऑलमोस्ट 1050 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। उसके बाद देखिए जंप आया, डाउन गया, जंप आया, ये डेली चार्ट है। और HDFC बैंक के अगर आपको के शेयर को अगर आप खरीदना चाहते हो तो सबसे बढ़िया मौका होता है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का, ये बहुत बेहतरीन मौका होता है। तो आप देख लीजिए कितना रिटर्न इसने दिया है। उसके कंपैरिजन में अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर को देखूं तो देखिए पिछले साल दिसंबर के आसपास जो ये ट्रेडिंग चल रही थी स्टॉक में, ऑलमोस्ट 1200 के लेवल पे जो चल रहा था ये शेयर, और आज की डेट में 1700 के लेवल पे चल रहा है, पीक पे चल रहा है। बिल्कुल आप देखिए क्लियरली ब्रेकआउट टाइम पे आ चुका है। क्या ब्रेकआउट बनेगा? वॉल्यूम तो बड़ा दिख रहा है, देखिए वॉल्यूम बड़ा दिख रहा है, आज की डेट में भी बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला। मुझे लगता है कि ब्रेकआउट के चांसेस आ सकते हैं इसमें। 26 सितंबर का जो ये हाई बना है उसको पार करने की कोशिश अभी करेगा, जरूर करेगा। और बिल्कुल पिछले कुछ टाइम से कंसोलिडेशन, 20 सितंबर के बाद जो पीक बनाया था और उसके बाद लगातार कंसोलिडेशन चल रही थी, और पिछले ये मान के चलिए कि 1-2 महीने में इसमें कंसोलिडेशन चली है और अचानक अब एक बड़ा जंप आया है। और ये मान के चलिए कि 25 नवंबर के बाद लगातार उछाल इसमें चल रहा है लगातार, और स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1560 के लो से 100 रुपये का जंप ले लिया पिछले कुछ ही दिनों में धीरे धीरे करके, और ब्रेकआउट के पास पहुंच गया है। और ये एक पॉजिटिविटी है इस स्टॉक को, आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके बहुत बढ़िया रिटर्न दिया पिछले एक साल के कंपेयर, एक साल में HDFC कंपेरिजन में। HDFC ने कितना दिया था, 19 गुना मान के चलिए, और कोटक ने कितना दे दिया, 42 गुना, 19 गुना होता है 38, तो डबल से भी कहीं ज़्यादा अच्छा रिटर्न यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक ने दिया है HDFC से। ऑल्दो दोनों शेयर ब्लू चिप शेयर है, बड़े शेयर है, लेकिन रिटर्न के मामले में इस बार विनर निकल गया यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक। अब यहीं नहीं रुकेंगे, हम चलेंगे एक और शेयर की तरफ जिसका नाम है ICICI बैंक लिमिटेड। प्राइवेट बैंक की जब बात आती है तो पिछले एक साल में जो विनर निकला है वो है ICICI बैंक लिमिटेड। रिटर्न्स के मामले में अगर आप देखोगे जो जीता है वो सिकंदर है, वो ICICI बैंक लिमिटेड है।
तो सिकंदर कौन निकला इस बार एचडीएफसी बैंक के रिटर्न को भी मात देता हुआ। ये तीनों के तीनों बड़े शेयर हैं, तीनों के तीनों जो है वो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 लाख करोड़ के पार है। इवन अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक टॉप पे है, आईसीआईसी सेकंड पे है, कोटेक थर्ड पे है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आईसीआईसी बैंक का मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट 3.5 लाख करोड़ के आसपास है, लेकिन आप देख सकते हो कि किस तरीके से कितना जबरदस्त इसने परफॉर्मेंस दिया है पिछले 1 साल के अंदर। आप सीधे लेके चलता हूँ आपको रिटर्न की तरफ, काबिले तारीफ 52% का रिटर्न दिया है, सबसे अव्वल दर्जे का रिटर्न जो है वो आईसीआईसीआई बैंक के शेयर ने पिछले 1 साल में दिया है। अगर आप प्राइसिंग देखते हो आईसीआईसीआई बैंक की तो पिछले 1 साल में यानी कि दिसंबर लास्ट ईयर जो प्राइसिंग थी वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि किस लेवल पे शेयर था। जुलाई 2018 में ये 250 के लेवल पे था, बढ़ता बढ़ता ये गया दिसंबर के आसपास अगर मैं देखूं यहाँ पे तो मुझे देखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट 340 के लेवल पे था। आज ये शेयर 520 525 के आसपास के पीक को बनाए हुए, 540 के आसपास का इसने पीक बना दिया है। तो सीधे सीधे बड़ा उछाल, कितना 340 से 540 के आसपास पहुंच चुका है, बेहतरीन जंप, बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी, बेहतरीन रिटर्न इसने दिया है। लेकिन गोल्डन क्रॉसओवर कब बना था शेयर में आप देखिए। अब मैं बार बार बात करता हूँ गोल्डन क्रॉसओवर एंड ऑल की, तो देखिए गोल्डन क्रॉसओवर से रिलेटेड अगर आपको चीज़ को समझना है तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल देके एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देखिए समझिए, बहुत काम की चीज़ है। फिलहाल आप इस शेयर को देखिए, यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर बनने के बाद देखिए गिरावट थी शेयर में, नो डाउट। गिरावट के टाइम पे थोड़ा सा डर लगता है कि यार खरीदे ना खरीदे, लेकिन गिरावट के बाद जब पॉजिटिविटी आती है वो दिखता है हमको गोल्डन क्रॉसओवर से, और वो दिखता है हमको 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से कि स्टॉक ने अब बुलिश जोन में आ चुका। आप देख सकते हो कि किस तरीके से 250 के लेवल से शेयर ने पीक बनाया था ऑलमोस्ट 350 के लेवल पे, लेकिन उसके बाद जो करेक्शन आई वो एंट्री का मौका होता है। ये डायमंड अपॉर्चुनिटी होता है कि गोल्डन क्रॉसओवर बनने के बाद स्टॉक अगर आपके 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले तो ये डायमंड अपॉर्चुनिटी होती है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये डायमंड अपॉर्चुनिटी अक्टूबर 2018 में आई, उसके बाद ये डायमंड अपॉर्चुनिटी आई अभी सितंबर 2019 में, 2-3 बार इसमें डायमंड अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो कई बार आ चुकी है। फिलहाल शेयर अपनी रैली लेके पीक पे जा रहा है और एक बड़ा वॉल्यूम इसमें देखने को मिला था 26 नवंबर को, देख लीजिए किस तरीके से बड़ी खरीदारी इसमें हो रही है रेगुलर बेसिस पे। ये आईसीआईसीआई बैंक की बात है, इसी तरीके से आप कोटक महिंद्रा के चार्ट को देखोगे तो आप देखिए कि किस तरीके से ये पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली। गोल्डन क्रॉसओवर तो बन चुका था ऑलमोस्ट मार्च 2019 में, उसके बाद क्या स्ट्रेंथ देखने को मिली स्टॉक में। तो ये चीज़ें जो ये टेक्निकल चीज़ें मैं आपको हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताया करता हूँ एग्जाम्पल के साथ साथ, तो ये बहुत काम की है, तो आप इनको ज़रूर समझा कीजिए और इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो अपने लेवल पे। आप जब शेयर को देखते हो उसके टेक्निकली उसको एनालाइज करते हो तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखें। फिलहाल एचडीएफसी बैंक के अगर मैं शेयर की बात करूँ तो ये नो डाउट पीछे जरूर छोड़ दिया है बाकी दो शेयर्स ने इसको, लेकिन फंडामेंटली ये वीक स्टॉक नहीं है, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और अक्सर अब बात करते हैं कि एचडीएफसी बैंक के शेयर में कब खरीदारी करें, तो इसकी खरीदारी सबसे अच्छी तब होती है जब ये शेयर अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास होता है। जरूर देखें, जरूर समझें, ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी का शेयर है। ये मत सोचिए कि ये बाकी दो के कंपैरिजन में इस साल नीचे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा शेयर नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, मार्केट में लीडर है। बाकी दो शेयर जरूर रिटर्न के मामले में इससे इस साल जीत गए हों, लेकिन ये शेयर कम नहीं है। अभी देखिए जब लास्ट बार इसमें अभी स्टॉक में स्प्लिट हुआ था तो 1100 की रेंज में ये ट्रेड कर रहा था, तो अब मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, आप उसी टाइम से देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इसने रिटर्न दे दिया। कमी कोई नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, तीनों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। अगर आप बैंकिंग की दुनिया को जो कहते हैं कि मार्केट में बैंकिंग की दुनिया एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है पूरी शेयर मार्केट के लिए, तो ये तीन शेयर उसमें बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूटर, आप देख सकते हो कि 7 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन एचडीएफसी बैंक है, कोटेक का 3 के आसपास है, 3.75 के आसपास, और आईसीआईसीआई बैंक का 3.5 के आसपास है। तो 7, 3 और 3, 6 और 7, 13-14 करोड़ के आसपास का मार्केट, 13-14 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन इन तीनों शेयर्स का है। और अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात करूँ तो देखिए आज शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली, आपने क्लियरली देखा होगा कि 350 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स गिरा, निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास गिरा, लेकिन इन तीन शेयर में बिल्कुल भी ऐसी बड़ी हलचल कोई देखने को नहीं मिली। ये देखिए इवन कोटक महिंद्रा बैंक ने तो 1.5% के आसपास का जंप दिया, एचडीएफसी बैंक भी पॉजिटिव बंद हुआ और आईसीआईसीआई बैंक में भी हल्का सा नेगेटिविटी देखने को मिली। अब आप खुद सोचिए कि कोई असर, बड़ा असर इन तीनों बैंक्स के शेयर में नहीं देखने को मिला इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद।
बावजूद भी आप सोचिए, तो इतनी बड़ी गिरावट और कोई असर नहीं बैंक्स के शेयर में, ये तो मैं कहूंगा ताजुब वाली बात है। यानी कि अभी मुझे लगता है कि अभी जो निफ्टी में ये जो करेक्शन चल रही है, ये बढ़िया एंट्री का मौका हो सकती है। आप अच्छे शेयर्स को देखें, तराशें, समझें। चलिए, ये अपडेट था यहाँ पे HDFC बैंक के, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, तीनों बैंक्स को मैंने समराइज करके उनके टेक्निकल फंडामेंटल एक वीडियो में बताने की कोशिश करी। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपकी अपनी राय इन तीनों स्टॉक्स के बारे में कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।